नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। न्यूज एंकर बहुत अहम हिस्सा है न्यूज का, लेकिन हमारे देश की सबसे पहली न्यूज एंकर, फीमेल न्यूज एंकर सलमा सुल्तान, जो भोपाल की शान है और बाद में वो देश की शान बनी। दूरदर्शन से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, लगातार 30 साल तक उन्होंने न्यूज़ एंकरिंग करी। बहुत अलग दौर था, सौम्य, सरल, ग्रेसफुल, उनके जो गालों में डिम्पल पड़ते थे, उनके जो साड़ी का बॉर्डर, बालों में एक लाल गुलाब, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट, बहुत सारे दीवाने थे। लोग इंतज़ार करते थे कि जब वो न्यूज़ पढ़ रही हैं, क्या अगले न्यूज़ में या इस न्यूज़ में वो पूरी तरह स्माइल करेंगी। चलिए, आज हमारे साथ हैं वो फेमस पर्सनालिटी सलमा सुल्तान जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ में भोपाल में, हालांकि भोपाल आपका खुद का शहर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मुक्ता, और सारे भोपाल निवासियों को और जो भी देख रहे हैं उनको मेरा आदाब, नमस्कार। भोपाल की बेटी हैं, यहाँ से पढ़ाई की आपने, फिर दिल्ली गई थी आगे की पढ़ाई के लिए, और फिर आपकी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन इस बीच में एक दशक का गैप हो गया। आप एक दशक के बाद भोपाल में लौटी हैं, ऐसा क्यों? नहीं मुक्ता, मैं ये मानती हूँ कि इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो जड़ी होती है जो शाखों को और फूलों को लहलाती है, मजबूत करती है। नहीं, 10 साल मैं क्यों नहीं आ सकी, कुछ उसकी ज़ाती वजूहात थी, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन भोपाल से मैं हमेशा जुड़ी रही, इस सेंस में कि यहाँ मेरी फैमिली है, तो मेरा रابطہ भोपाल से, भोपाल वालों से बना रहा, और अब मैं आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बार बार यहाँ पर आना होगा। आती रहेंगी, लोग बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, जैसा मैंने जिक्र किया था, आपके न्यूज एंकरिंग का, आपकी स्टाइल का, आपका जो एक अलग ही सेंस था, लोग दीवाने थे, तो वो आपने क्या डेवलप कैसे किया? बालों में गुलाब, बिल्कुल हल्की सी स्माइल, बड़े प्रोफेशनल ढंग से आप, और बहुत सहज रूप से आप जो प्रेजेंटेशन करती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप सबको मालूम ही होगा कि जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो वो पहला ही टेलीविज़न था हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे सामने कोई आइकन नहीं था, कोई हमारे सामने कोई मिसालें नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए, ख़ास तौर से प्रेजेंटर के लिए। तो जाहिर है उस वक्त यही था कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी या जिस तरह से ढालना है, तो ख़ुद ही हम लोग उसमें तरह तरह की तरकीबें करते थे, और ये ख्वाहिश होती थी कि अच्छे लगें, तो हर एक उस कोशिश में लगा रहता था, मैं भी उस कोशिश में लगी रहती थी। तो ये जो सारे स्टाइल हैं, कि मान लीजिए साड़ी का वी का स्टाइल, वो एक ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी कि जब ब्लैक एंड वाइट था तो कैसी भी साड़ी पहनी, ब्लाउज पहना, वो चल गया, लेकिन जब टेलीविज़न रंगीन हुआ, तो अगर गुलाबी साड़ी है तो ब्लाउज तो भी लिमिटेड थे, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला कि भाई साड़ियाँ तो कई तरह की हों, ब्लाउज आपके 5-6 हों, तो क्या किया जाए। तो फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर सोचा एक तरकीब के, पहले उसको यहाँ टक किया जाए, फिर एक पीछे टक किया जाए, और फिर वी बनाया जाए। हालांकि उसमें मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ढूंढना पड़ता था कि अब हमारी दूसरी न्यूज़ रीडर कौन है इंग्लिश की, और जब वो मिलती थी तो फिर वो वी बनता था। आप लोगों ने इसको स्टाइल मान लिया और मेरी मुश्किल हल हो गई। हल हो गई। और जो आप गुलाब जो लगाती थी, वो कहाँ से शुरू हुआ? आज गुलाब मिसिंग है। आज मिसिंग है, बिल्कुल जी। सो गुलाब भी उसी का एक नतीजा है। गार्डन में बहुत गुलाब थे, गुलाब बहुत पसंद है, तो सोचा आज गुलाबी साड़ी पहन रहे तो गुलाब का फूल खिला हुआ, तो वो लगा लिया, लोगों को पसंद आया, दूसरे दिन भी लगा लिया, उसके बाद नहीं लगाया। लेकिन जब नहीं लगाया तो बहुत रिएक्शन हुआ, बहुत डिमांड हुई। तो हमारे ड्यूटी रूम हुआ करता था, जिसमें ड्यूटी ऑफिसर होते थे, और जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होती थी तो उसमें लगातार फ़ोन आने लगते थे, कमेंट्स आने लगते थे। तो इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि फिर मेरे लिए ये एक ज़रूरत बन गई कि कुछ भी हो तो गुलाब लगाना है। तो अब अपने गार्डन के गुलाब जब ख़त्म हो जाते थे, तो पड़ोसी का जो गार्डन था उसमें से गुलाब लाए जाते थे। गुलाब हर हालत में लगाना होता था।
तो उसके बाद केवल न्यूज़ रीडिंग के लिए आप गुलाब लगाती थी, या जब आप अपना पर्सनल भी घूमती थी या कहीं आती जाती थी तो भी आप गुलाब लगाती थी? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं लगाती थी, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जब टेलीविज़न छोड़ दिया, और ऑब्वियसली जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी टेलीविज़न की इमेज को ना याद रखती हूँ ना उसको साथ लेके जाती हूँ, लेकिन हर जगह यही डिमांड हुई और अभी भी होती है। और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि गुलाब कहाँ है, यहाँ तक कि मुझे याद है कि बरखा दत्त ने मेरे एक इंटरव्यू किया बॉम्बे में, एक पैनल डिस्कशन था और डिस्कशन में बहुत ही अहम बातें हो रही थी, तो बीच में बात एंकर मुझसे पूछते हैं कि सलमा जी बाकी बातें तो होती रही लेकिन ये बताइए कि गुलाब की कहानी क्या है, गुलाब कहाँ है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए गुलाब मैं आज लगा के आई हूँ क्योंकि अब गुलाब नहीं है, ये गुलाब अब मेरा आधार कार्ड बन गया है। सो ये है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो आप बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराती थी और लोग इंतजार करते थे कि शायद नेक्स्ट बुलेटिन में सलमा जी पूरा मुस्कुरा देंगी, आज आपके चैनल के जरिए मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि न्यूज में मुस्कुराने की गुंजाइश कहाँ है, यानी जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो इट्स अ सीरियस मैटर, और कौन सा किस मोड पर कौन सी न्यूज आ जाए, कौन सी दुर्घटना आ जाए, तो उसमें मुस्कुराने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसे एक स्पोर्ट्स से उससे एक डिसिप्लिन है, न्यूज का भी एक डिसिप्लिन है कि आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली सीरियसली सॉल्मली आपको न्यूज को कन्वे करना है, तो जाहिर उसमें गुंजाइश नहीं होती, आखिर में मुस्कुराते थे। बिल्कुल, आपने बात करी न्यूज ऐसा डिसिप्लिन, तो मैं ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता होगा, अक्सर पूछा जाता होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। जैसे आप लोगों का जो दौर था, दूरदर्शन थे, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, न्यूज़ एंकर जनरली इंडियन ड्रेस में और बड़े ग्रेसफुल तरीके से न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन आजकल के जब आप न्यूज़ एंकर्स को देखती हैं क्या कहती हैं, जो चीख चिल्ला के जो एंकरिंग होती है, और आप लोगों का जो दौर था एक ग्रेसफुलनेस का, कैसे कंपेयर करती हैं, क्या सोचती हैं? मेरा इसमें मानना है कि देखिए ट्रांजिशन ही एक चीज़ है जो परमानेंट है, और ये दौर जो है ट्रांजिशन का है। टेलीविज़न जो है या मीडिया है वो रिफ्लेक्शन है जो कुछ हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में भी शोर और हंगामा हो रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं, हम भी बेचैन हैं, तो वो सारा कुछ उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारी चैनल्स में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चैनल की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक वो पहुँचाए जो सही है। अगर लोगों में एक बेचैनी है, एक अफरा तफरी है, तो जब वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं न्यूज़ का, तो उनको न्यूज़ की जो सौम्यता है, जो ग्रेस है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि एंकर्स आजकल ऐसा चिल्ला रहे हैं, वो इस तरह का। मैं आजकल के एंकर्स को बहुत उनकी सराहना करती हूँ, बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एम्बिशस हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो लोग वही कर रहे हैं जो चैनल्स उनसे करवा रहे हैं, तो उन पे ये जिम्मेदारी डालना गलत है। उनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ और चैनल से मेरी गुजारिश है कि भाई टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ के स्वरूप को ना बदलें। मैम, आपने अक्सर जिक्र किया है एक बहुत ही मुश्किल घड़ी का, जब आपके न्यूज़ एंकरिंग के समय, जब लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तब वो खबर आपने पढ़ी थी, क्या याद करेंगी कैसा समय था, कैसे आपने पढ़ा, कैसे वो इतनी दुखद वो जो घटना थी उसको आपने प्रेजेंट किया था? बहुत सी ट्रेजिडीज पढ़ी हैं और सभी में जो एक सीरियस होना चाहिए वो उसमें बरकरार थी, वही इसमें भी थी। इसमें कोई ऐसी खास वजह नहीं थी कि जिसको हम लोग अलग से कैटेगराइज करके उस पर डिस्कस करें, लेकिन इसका जवाब मैं यही दूंगी कि सिर्फ एक नहीं, मैं तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं। 30 साल के अपने न्यूज़ एंकरिंग सफ़र को अगर हम कहें कि कैसे देखती हैं आप, क्या सोचती हैं, मतलब अब जब रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं? मैं सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करके दिल्ली गई, तो मैं एमए कर रही थी तभी टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इसलिए कोई गैप नहीं हुआ ज़्यादा सोचने का,
मैं समझती हूँ टेलीविजन इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपन टू मी। वो उसको मैं कहूँगी कर्म भूमि मेरे रहा, जहाँ से मैंने हर वो चीज सीखी जो जिंदगी सिखाती है। ये कही कि टेलीविजन ने जीना सिखाया, टेलीविजन ने एक शख्सियत में एक मजबूती दी, टेलीविजन सिखाया कि किस तरह जब चीजें साजगार ना हो तो कैसे आप उसका मुकाबला करें, टेलीविजन सिखाया कि आपको हार नहीं मानना है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हार नहीं मानना है। और मैंने जो देखा है मैम, आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी है। आप 30 साल तक दूरदर्शन में न्यूज पढ़ती रहीं, उसके बाद आप टेलीविजन सीरियल बनाने लग गईं, फिर आप फैशन की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, आपका अपना फैशन ब्रांड है, पोएट्री लिखती हैं, पोएट्री की बुक भी आपकी आने वाली है, तो ये कंटिन्यूटी आपने बना के रखी हुई है। तो वो कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी रवानी इस पानी में होते हुए चलता रहता है। जी। मेरा अपना ये मानना है कि जिंदगी में आपको नहीं रुकना, जब रुकने का वक्त आएगा तो वो जिम्मेदारी ऊपर वाले की है, आपको चलते ही रहना है। और दूसरी बात ये कि मेरे अंदर शायद एक पैशन है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिविटी कुछ भी करना है। मैं अपना दिन इस तरह नहीं गुजार सकती कि सुबह उठे खाना खाया बैठे सोए या घूमाए, हर चीज में एक क्रिएटिविटी है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो इसी तरह जब मैं न्यूज करती थी तो मुझे ख्याल आया कि भाई न्यूज तो अब एक रूटीन हो गया और क्या किया जाए, तो डायरेक्शन का ख्याल आया जो चैलेंजिंग है। डायरेक्शन बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत नया एक्सपीरियंस हुआ। फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि न्यूज में अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद आगे बढ़ने का इरादा किया। लेकिन टेलीविजन जब मैं कर रही थी न्यूज, उसी दौर में मैंने डायरेक्शन शुरू कर दिया था, तो उसकी कंटिन्यूटी थी जो चल रही थी। जब वो डायरेक्शन का दौर खत्म हुआ तो फिर थोड़ा कुछ घूमने फिरने का शौक हुआ और मैंने बहुत कुछ खूबसूरत साड़ियाँ खरीदी। किसी इरादे से नहीं खरीदी, अपने लिए खरीदी। और वो साड़ियाँ ऐसी थी जो कि वीवर्स के बनाई हुई बहुत अमेजिंग साड़ीज थी। अच्छा, टेलीविजन पे आपको ही सुन के ताज्जुब हुआ कि वो साड़ीज वहाँ कभी नहीं पहनते थे, क्योंकि वहाँ पर सिंपल साड़ीज पहनी जाती थी। तो ये मैंने अपना एक पर्सनल कलेक्शन करा 20-30 साड़ियों का, और मैंने सोचा कि इसको खुद पहनेंगे या फिर बच्चों को दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर किसी के सजेशन पे मैंने इनका डिस्प्ले किया। देखिए, इस बीच में मैं कारीगरों से जुड़ती गई और मैंने महसूस किया कि कितना बड़ा धरोहर है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम पहचानते नहीं हैं। तो फिर मैंने वीवर के साथ काम करना शुरू किया, तो अब मेरा एक ब्रांड है सारी संस्कृति बाय सलमा सुल्तान, हमारे एक डिज़ाइन हाउस है नौरा डिज़ाइन हाउस, जिसमें सिर्फ साड़ीज ही नहीं बल्कि हर तरह की चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, कस्टमाइजेशन हो रहा है। और मेरी जो डॉटर हैं आयशा, वो अमेरिका में है, बेसिकली वो कोरियोग्राफर हैं और उनका ब्रांड है नौरा USA, तो वो एक बड़े लेवल पे फैशन डिज़ाइनिंग में है। लेकिन जो सारा काम है ये हमारे कारीगर बनाते हैं, और उनका भी ख्याल है कि जो हमारी कारीगरी है वो वेस्ट में मशहूर हो। और बड़ी खुशी की बात है कि वेस्ट में लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हाथ का काम बहुत रेयर है जो बाहर लोगों को मिलता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं उसको देखती हूँ और वहाँ पर आयशा देख रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है फिर से एक इंडियन हेरिटेज को, जो बार बार बात होती है कि इंडियन हेरिटेज पे काम हो, वो रिवाइव हो, आप वही कर रही हैं। आपने पोएम्स लिखा, शायद पहला पोएम आपने 1984 में लिखा। उसके बाद फिर गैप हो गया लगभग 10-15 साल का, फिर आपने लिखना शुरू किया और जल्द ही आपकी एक पोइट्री की किताब भी जो है वो आने वाली है। मुक्ता, जल्दी तो कुछ नहीं हुआ है कि मेरी जिंदगी में कोई भी चीज़ प्लान नहीं हुई, ये सब अचानक हुआ है और फिर इसको इस तरह मैंने अपना लिया जैसे कि वो होना ही था। पोइट्री के बाद छोटी सी बात यह है कि 84 में मैं तो दिल्ली में थी, जब पता चला कि गैस ट्रेजेडी हुई है और इतनी तकलीफ है, तो पता नहीं क्यों मैंने कलम उठा और एक नज्म लिखी मेरा भोपाल, और उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई, कभी ख्याल भी नहीं आया कि कुछ लिखना है। फिर 2015 में मैं एक मेरी जानने वाले हैं, दोस्त हैं,
उनका घर बन रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में एक बहुत बड़ा एक दरख्त लगा हुआ था, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा है कि उसको तो जहर दे के मारा जा रहा है, क्योंकि दरवाजे में उसमें उलझन पैदा हो रही है। फिर मैंने बात सुनी और मैं इतनी मुतासिर हुई, तो मैंने फिर एक नज़्म लिखी, शजर की फरियाद, दरख्त की फरियाद। और उसके बाद से मुझे नहीं पता कैसे, बट एक सिलसिला बना है। तो अब तकरीबन 100 नज़में और गज़लें लिख ली हैं। अब कोशिश करूँगी कि इसको मैं शाया करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं चाहूँगी कि आप हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को अपनी जो आप जो लिखती हैं उसका कुछ तो एक थोड़ा सा सुनाएं। मैं आपको फिर भोपाली का सुनाऊं? बिल्कुल, भोपाल की आप बेटी भी हैं। तो ये भोपाल की नज़र है, और ये उस वक्त के तासुरात हैं जब गैस का एक यहाँ ट्रेजडी हुई थी और तकलीफ का दौर था, तो मैंने लिखा था मेरा भोपाल। तो आपकी इजाज़त से आपकी नज़र है। ये मोहब्बतों का शहर है, ये इबादतों का शहर है, यहाँ सब्र शुक्र की हैं रिवायतें, ये तो इल्म व फन का दयार है। पर एक सुबह क्या सितम हुआ, ये किसी बद्दुआ का असर हुआ, एक जहर फजा में खुल गया, एक बाब मौत का खुल गया, मौत का एक दरवाजा खुल गया। वो धुआं था या जहर बेपनाह, जो जहां जहां से गुजर गया तो नफस नफस में उतर गया, हर एक जान शकिस्ता कर गया, हर एक जान को घायल कर गया। वो नन्हे नन्हे तन बदन जो लिपट के सोए थे माओं से, वो नन्हे नन्हे तन बदन जो लिपट के सोए थे माओं से, न पलट के फिर ये कह सके हमें ले लो अपने आगोश में, अपनी गोद में ले लो हमको। वो घर सहन के बंद कुफल, वो घर सहन के बंद कुफल जो खुले न थे कभी रात में, वो महजबी माहों पर जो मुकीत थे हिजाब में, सभी रास्तों पर चल पड़े एक सांस की तलाश में। वो मोहब्बतों के सिलसिले जो बने थे माहों साल में, जो सालों में बने थे मोहब्बत के सिलसिले, वो मोहब्बतों के सिलसिले जो बने थे माहों साल में, न एक पल को टिक सके जुल्मतों के सामने, अंधेरों के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सके। ये मेरा शहर दिलनशी, ये मेरा शहर दिलनशी, फिरदौस बर्रुए ज़मीन, ज़मीन पर जन्नत, ये मेरा शहर जो ज़मीन पर जन्नत की तरह, और मैं ज़ाती तौर पर इसको मानती हूँ कि ये जन्नत है। ये मेरा शहर दिलनशी, फिरदौस बर्रुए ज़मीन, यूँ घुट के रह गया सांस में, करी मौत के गुबार में। क्या बात है, क्या तो बात है, बहुत ही। हम इंतज़ार करेंगे आपकी बुक जल्दी ही पब्लिश होगी जैसा आप कह रही हैं। तो आपने जैसा कहा कि आपकी लाइफ में आपने प्लानिंग नहीं की, न्यूज़ एंकर, फिर डायरेक्टर, फिर जैसे फैशन का ब्रांड है, अब पोएट्री, तो ये सब चीज़ें सब सहज एक रूप में होती गई। मेरे खास ये डेस्टिनी, क्योंकि खुद मेरा दुनिया में आना भी अनप्लान्ड ही है, क्योंकि मैं और जो मेरी सिस्टर हैं थी उनके बीच में तकरीबन 18-20 साल का फ़र्क था, तो जाहिर है मैं भी जो हूँ प्लान तो नहीं हो सकती ना। तो मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ प्लान नहीं है, वो अचानक होती है और उसका एक सिलसिला बनता है, और इसी तरह से मेरी ग्रोथ हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। सलमा जी, जब आप निकलती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे अभी अगर आप निकल जाएं तो लोग आपको देख के क्या बोलते हैं? मुझे यहाँ तो ज़्यादा निकलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये ताजुब की बात है, लेकिन होता है ऐसा, लोग बहुत पहचानते हैं, बहुत बात करते हैं आके, बहुत प्यार देते हैं। आप लगभग 70 इयर्स की हो गई हैं, हालांकि कहते हैं कि वुमेन का एज नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आप 70 की लगती नहीं है। राज शेयर करेंगी हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर दोबारा गौर करूँगी। लेकिन क्या कुछ करती हैं खास ऐसा आपकी, क्या क्या आप क्या कुछ
कुछ अपना शेयर कर पाएंगी? खास मैं करती हूँ कि तकरीबन 15 साल से तो मैं पार्लर नहीं गई। अच्छा। और लेकिन मैं अपना सेहत का ख्याल रखती हूँ। मैं मोस्टली जो हूँ वेजिटेरियन हूँ और एक बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करती हूँ, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये वजह हो। और आपने जो एक बात शेयर करी कि आप पार्लर नहीं गई हैं पिछले 15 साल से, जी बिल्कुल, बहुत एक अच्छी टिप आपने लोगों को दे दी है कि पार्लर मत जाइए। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही मत जाइए, मैं नहीं जा रही। हाँ, आप नहीं जा रही, बिल्कुल, उससे एक सीख तो मिलती है। मैम, एक सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी। जिस समय में आपने टेलीविज़न को चुना, आपने एंकरिंग चुना, उस समय कैसा रिएक्शन था? क्योंकि उस समय बहुत प्रोग्रेसिव नहीं था, हम बात कर रहे हैं 1967 की। क्या रिएक्शन रहा आपकी फैमिली में, भोपाल में, और किस तरह का सपोर्ट मिला आपको अपने परिवार से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका सारा श्रेय जो है मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे फादर को ख़ास तौर से, क्योंकि उस ज़माने में भी उनकी इतनी ब्रॉड थिंकिंग थी, उनकी सारी एम्फेसिस थी कि लड़कियाँ जो हैं उनको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, उनको एजुकेटेड होना चाहिए, तो हमारे एजुकेशन पर बहुत ज़ोर था। यही वजह है कि जो मेरी बड़ी बहन थी जो मुझसे 18 साल बड़ी थी, तो उन्होंने एजुकेशन हासिल की, ग्रेजुएशन किया और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन हु वन द असेंबली इलेक्शन। तो घर में तो हमने ये माहौल देखा था। अब जहाँ मेरी बात हुई तो मुझे यहाँ उस वक्त हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा था, मुझे इनक्रेज किया जा रहा था। स्कूल में हर वक्त हम स्टेज पर रहते थे, डिबेट्स जो होते थे उसकी तैयारी मेरे फादर करवाते थे, फिर हम जाके जो सैफिया कॉलेज में और हमीदे कॉलेज में लड़कों के साथ डिबेट में हिस्सा लेते थे। और जब मैंने एमए किया और मेरा रिजल्ट आया, तो आमतौर पर पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि भैया इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब इनकी शादी कब होगी? तो मेरे फादर का ये खत आया मेरी बहन के पास कि बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने एमए कम्प्लीट किया है, अब वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्या करियर अपनाना चाहती हैं। तो ये तो थी बैकग्राउंड। उसके अलावा भोपाल का रिएक्शन बहुत अच्छा था, मतलब भोपाल के लोग बहुत खुशी महसूस करते थे। और मैंने सुना है कि जब टेलीविज़न पर मैं आती थी तो लोग यहाँ सेलिब्रेट करते थे कि हमारे भोपाल की जो लड़की है वो उस जगह पर पहुँच गई है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी भोपाल भी प्रोग्रेसिव है। भोपाल की औरतों को मैंने उस वक्त भी देखा और आज जब मैं आके मैं देख रही हूँ तो यहाँ की औरतों में एक बहुत एक जौलानी है, अपने नई उनके अंदर शिद्दत है आगे बढ़ने की। और ये सही बात है, किसी से कम नहीं है। हमारा जो शहर है वो तो गहवारा है टैलेंट का, इल्म का, तालीम का। और ये तो बेगबाद का शहर रहा है जहाँ पर 100 साल तक औरतों ने हुकूमत की है, तो वो जो चीज़ है यहाँ की भोपाल की औरत में मौजूद है। एंड आई फील प्राउड दैट आई बिलोंग टू भोपाल। बिल्कुल, बहुत सही बात की। और कहीं ना कहीं आप भोपाल में हैं और भोपाल आप में बसता है। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात के लिए अपना समय निकाला, आपने इतनी सारी बातचीत की और इतनी सारी पुरानी पूरी यादें हमारे साथ आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आदाब जी। तो दर्शकों, आज हमने बात की इंडिया की फर्स्ट न्यूज़ एंकर, भोपाल की बेटी है, भोपाल की शान है, सलमा सुल्तान जी से। न्यूज़ एंकर, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद फैशन डिज़ाइनर, और अब उनकी पोइट्री की किताब भी आ रही है। और उनका ये मानना है कि लाइफ जो है कंटिन्यूटी में चलते ही रहना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि जैसे वो भी अनप्लान्ड थी, उनकी पूरी लाइफ अनप्लान्ड रही है, लेकिन सब कुछ जो है सही समय पे और सही तरीके से होता चला गया। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।